एमपी का बेलगाम जंगल माफिया, आगे आगे जंगल माफिया और पीछे पीछे पुलिस, वन विभाग, सशस्त्र बल सहित डायल 100 ने पीछा कर पकड़े जंगल माफिया। तीन थानों की पुलिस, वन अमले का दर्जनों स्टाफ एवं सशस्त्र बल और डायल 100 की लगभग 8 वाहनों ने 30 किलोमीटर पीछा कर पकड़े आरोपी। एक ट्रैक्टर, एक बोलेरो जीप, मोटरसाइकिल, सागौन की लकड़ी सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। मैं डाल दूंगा। हाँ ठीक है। मोटरसाइकिल पेट फट जाएगा। मामला है आज लगभग सुबह 5 बजे हमें जानकारी लगी थी कि कोलुआ पठार भीट में कोई अतिक्रमण कर रहा है ट्रैक्टर से। तो जैसी हमें सूचना मिली, हमारी टीम तत्काल मौके पर पहुंची। जैसी मौके पर पहुंची तो उनको ट्रैक्टर सहित जब्त कर लिया गया। तत्काल टीम के द्वारा बताया गया कि बड़ी चालाकी से ट्रैक्टर द्वारा चालू करके दबंग लोगों द्वारा वहाँ से ट्रैक्टर फरार हो रहा है। यहाँ से तत्काल टीम पहुँची दूसरे तरफ से इधर मावन की ओर टीम और ट्रैक्टर चलाते हुए वो टकराई गई। वहाँ से फिर उन्होंने इधर से वापस किया ट्रैक्टर को चलाते हुए, गाड़ियाँ उसका आगे पीछे पीछे करती हुई। फिर ट्रैक्टर सिरौन चौराहे से आगे बढ़ता हुआ चला गया। सिरौंज की ओर तत्काल दी गई बरवास थाने की पुलिस भी मौके पर पहुँच गई, ये परगना रोड पर और अंदर काचीगुड़ा रोड पर। फिर ऐसा ही थाना प्रभारी को भी सूचना दी आनंदपुर को, उनकी भी टीम पहुँच गई। तो कच्चे रास्ते पर पगराना के आसपास उनको जब्त कर लिया गया और वहाँ से जब्त करके यहाँ के ऊपर कई प्रकरण दर्ज हैं वन विभाग की तरफ से पुलिस थाने में। ये जो ट्रैक्टर पकड़ा गया आईसर, ये बीला केड़ी का है और इसके द्वारा मुंडेला जो कि दक्षिण रेंज में भीड़ लगती है वहाँ पर वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ FIR भी है। ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, आदतन अपराधी हैं। क्या पुलिस की कस्टडी में दिया जाएगा आरोपी को? पुलिस अभी तो हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो इसको माननीय न्यायालय के समक्ष भी पेश किया जाएगा। अच्छा, वन विभाग के किसी चौकीदार की भी संलिप्तता सामने आ रही है इस मामले में? सुनने में आ रहा है वो अभी तक हमारे सामने पेश नहीं हुआ है। जैसी अगर ऐसी जानकारी लग रही है मैं उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की उसके खिलाफ की जाएगी।